हाय एवरीबॉडी, आप सभी को मेरा सादर जय जिनेंद्र। आई होप यू गाइस आर डूइंग ग्रेट। आज का वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, बिकॉज हम ये बात करने वाले हैं कि आप अपनी स्विंग ट्रेडिंग और पोजिशनल ट्रेडिंग के लिए स्टॉक्स कैसे सिलेक्ट कर सकते हो, वो भी इन अ वेरी इजी एंड इफेक्टिव मैनर। मुझे बहुत क्वेरी आती है कि जय, मैं एक वर्किंग प्रोफेशनल हूं, मैं डेली मार्केट को ट्रैक नहीं कर सकता हूं, और मैं स्विंग ट्रेडिंग और पोजिशनल ट्रेडिंग करना चाहता हूं अगेंस्ट इंट्राडे ट्रेडिंग। लेकिन मुझे एक ये प्रॉब्लम आती है कि इतने सारे स्टॉक सिलेक्शन मेथड्स है कि मैं कंफ्यूज हो जाता हूं कि मैं कौन से स्टॉक में एंटर करूं, कौन से स्टॉक में मुझे वेट करना है, कौन से स्टॉक्स के अंदर मैं पोजिशन अभी बना सकता हूं। इतने सारे मेथड्स हैं, कभी कभार कोई स्टॉक अपने रेजिस्टेंस के बाजू में है लेकिन ब्रेकआउट नहीं दिया तो मुझे वेट करना पड़ता है। इतने सारे स्टॉक्स मिल जाते हैं कि बहुत बार ऐसा लगता है, यार मैंने ये स्टॉक मिस कर दिया, काश मैं स्टॉक को खरीद लेता। इतने सारे मेथड्स हैं कि मैं बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज हूँ। तो डू नॉट वरी, ये वीडियो आपके लिए है। मेक श्योर आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, सेव कर दीजिए, क्योंकि आपकी जितने भी प्रॉब्लम्स है रिगार्डिंग स्टॉक सिलेक्शन इन स्विंग ट्रेडिंग, पोजिशनल ट्रेडिंग, ये मैं सब यहां पे सॉल्व करने वाला हूं। सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम, लेट अस गेट स्टार्टेड। सबसे पहले हम कुछ क्राइटेरियाज डिस्कस करते हैं जो हमें ध्यान में रखने हैं एज अ स्विंग ट्रेडर और पोजिशनल ट्रेडर। सो गाइज, ये है चार्ट प्रीकॉल लिमिटेड का ऑन अ मंथली टाइम फ्रेम। आप देखोगे हम इसे यहां पे एंटर किए थे अराउंड द लेवल्स ऑफ 100 and 105। इसने अभी हाई मारा है 165 का, 65% रिटर्न्स। एक और चार्ट है केपिट टेक्नोलॉजीज, अगर आप इस चार्ट को देखोगे तो भी आपको समझ में आएगा कि कितना बेहतरीन रिटर्न आपको मिल सकता है। ये भी एक ऐसा ही स्टॉक है जहां पे हमारी एंट्री काफी जल्दी थी और हमें बहुत बेहतरीन रिटर्न्स देखने को मिले हैं, जितने भी आप आईटी स्टॉक्स पकड़ लीजिए। तो जब हम रिटर्न की बात करते हैं तो यहाँ पे हम ऐसा नहीं कहेंगे 10% 15%। इसमें जब तक एक स्टॉक के अंदर मोमेंटम है आप उस ट्रेड में रह सकते हो। यूजुअली जब आप वीकली या मंथली टाइम फ्रेम में कोई स्टॉक में एंटर करते हो तो चांसेस काफी हाई है कि आप एक स्टॉक के अंदर यू नो ऑब्वियसली डबल टाइप का रिटर्न भी एक्सपेक्ट कर सकते हो, 2 गुना 3 गुना भी हो सकता है। अगर आप डेली टाइम फ्रेम में काम करते हो तो आपका रिटर्न आपको एक्सपेक्ट करना चाहिए अराउंड 15 से 20%। चलो हम उसका एग्जांपल भी देख लेते हैं, जैसे कि कोटक महिंद्रा बैंक जो हमने अभी सिलेक्ट किया था। सबसे पहले हम क्या करेंगे, डेली टाइम फ्रेम में जाएंगे और हम कोटक महिंद्रा का चार्ट एक बार सबसे पहले देख लेते हैं। अगर आप कोटक महिंद्रा के चार्ट को देखोगे, इसमें हमने करीबन यहां पे एंटर किया था जब इसने इस पर्टिकुलर लेवल का ब्रेकआउट दिया था, तो इसमें अच्छा खासा रिटर्न अभी ऑलरेडी दिख रहा है 10-15% का। तो जब आप डेली टाइम फ्रेम में एंटर करते हो तो आप ऐसे रिटर्न्स एक्सपेक्ट करो, जब आप मंथली टाइम फ्रेम वीकली टाइम फ्रेम में एंटर करते हो तो आपका स्टॉक डबल भी हो सकता है। और डोंट वरी, हम ये डिटेल में डिस्कस करेंगे कि आप कैसे डिसाइड कर सकते हो कि मुझे कौन से स्टॉक में एक स्विंग में एंटर करना है या मुझे पोजिशनल ट्रेडिंग करनी है लंबी अवधि के लिए। और एक दूसरी क्वेरी जो आपको जरूर आनी चाहिए वो कौन सी है कि अगर मैं स्विंग ट्रेडिंग या पोजिशनल ट्रेडिंग कर रहा हूं तो मुझे रिस्क टू रिवॉर्ड कैसा एक्सपेक्ट करना चाहिए। आपको एक बात समझनी पड़ी होगी, बहुत बार आपने देखा होगा कि इंट्राडे में हम बहुत बार 1:1 भी बुक करते हैं, 1:2 भी बुक करते हैं, 1:1.5 भी बुक करते हैं, लेकिन जब हम स्विंग ट्रेडिंग की बात कर रहे तो हमारा रिस्क टू रिवॉर्ड बढ़ सकता है, बिकॉज स्विंग ट्रेडिंग के अंदर बड़े मूव्स कैप्चर करना ईजी है। बिकॉज इंट्राडे में जो वोलेटिलिटी से जो आपके एसएल कट जाते हैं वो स्विंग ट्रेडिंग और पोजिशनल ट्रेडिंग में नहीं कटते हैं, इसीलिए यहाँ पे आप बड़े रिस्क टू रिवॉर्ड यू नो एक्सपेक्ट कर सकते हो। बहुत सिंपल है, रिस्क टू रिवॉर्ड का मतलब क्या है, आप 100 रुपया रिस्क करके कितना कमाना चाहते हो, उसको हम कहते हैं रिस्क टू रिवॉर्ड। अगर आप 100 रुपया रिस्क करके 200 रुपया कमाने चाहते हो तो हम इसको कहते हैं 1:2 का रिस्क टू रिवॉर्ड। अगर आप 100 रुपया रिस्क करके 300 रुपया कमाना चाहते हो तो उसे हम कहते हैं 1:3 का रिस्क टू रिवॉर्ड। जितना अच्छा रिस्क टू रिवॉर्ड उतना बेहतर होगा आपके लिए एज अ ट्रेडर इन द लॉन्ग रन। गाइस, अभी हमने स्विंग ट्रेडिंग और पोजिशनल ट्रेडिंग के बारे में कुछ जानकारी ले ली है, तो अब हम ये समझते हैं कि स्टॉक सिलेक्ट करते वक्त कौन से क्राइटेरियाज का हमें ध्यान रखना चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको ये समझना है कि आप किस टाइप के ट्रेडर हो। क्या आप एक स्टॉक को तब ट्रेड करना चाहते हो जब वो एक रेंज के अंदर ट्रेड कर रहा है, या आप एक स्टॉक को तब ट्रेड करना चाहते हो कि जब वो एक रेंज के बाहर आ गया। सो बेसिकली दो ही टाइप के ट्रेडर होते हैं, एक वो ट्रेडर जो रेंज के अंदर ट्रेड करता है, वो सपोर्ट के ऊपर बाय करता है, रेजिस्टेंस के ऊपर बेचता है। दूसरा टाइप का ट्रेडर वो होता है जो ये चाहता है कि एक स्टॉक अपनी रेंज के बाहर निकले, उसके बाद जब ट्रेंड क्लियर होगा उसके बाद मैं एंटर करूंगा। इसे हम क्या कहते हैं, ब्रेकआउट ट्रेडर। इसे हम क्या कहते हैं, रेंज ट्रेडर। आज मैं ये अज्यूम कर रहा हूं कि आप सब यहां पे
एक ब्रेकआउट ट्रेडर हो। तो एक बात क्लियर हो गई, जब मैं आपको स्टॉक सिलेक्शन मेथड बता रहा हूं तो हम उन स्टॉक्स पे फोकस करेंगे जिन्होंने अपना ब्रेकआउट दिया है, जो बेसिकली एक रेंज से बाहर आ गए हैं। ये कैसे मालूम पड़ता है? दो तरीके, एक है मैन्युअली हम स्टॉक्स को स्कैन करते हैं, दूसरा है स्क्रीनर की हेल्प से। मैं आपको दोनों ही चीजें डिटेल में बताऊंगा, सो डू नॉट वरी अबाउट इट। सेकंड पॉइंट है प्राइस ऑफ स्टॉक। आपको एक बात का ध्यान रखना है कि जब भी आप स्विंग ट्रेडिंग या पोजिशनल ट्रेडिंग कर रहे हो, आपको पेनी स्टॉक्स में काम नहीं करना है। मेक श्योर कि जिस भी स्टॉक में आप काम कर रहे हो उसका भाव एटलीस्ट 100 के ऊपर होना चाहिए, बिकॉज अगर वो 100 से ऊपर है इन मोस्ट केसेस वहां पे ऑपरेटर एक्टिविटी नहीं होगी और उस स्टॉक के अंदर लिक्विडिटी अच्छी होगी, ताकि उसमें ज्यादा अपर सर्किट लोअर सर्किट नहीं आए और आप स्मूथली अपनी ट्रेड में बैठ के उसके जो पूरे ट्रेंड है उसको राइड कर पाओ। आई होप ये बात क्लियर है। तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट, इसके अंदर FII और DII का पार्टिसिपेशन ज्यादा होना चाहिए। ये लोग कौन है? मार्केट की बड़ी मछलियां जो बहुत बड़ा पैसा लगाते हैं, और प्राइस कब मूव होगी? जब उसमें बड़ा पैसा लगाए। FII DII बेसिकली म्यूचुअल फंड हाउसेस है, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स है, ये सब लोग जिनों के पास बहुत ज्यादा पैसा है और वो अपना पैसा इन स्टॉक्स में डालते हैं, जिससे इन स्टॉक्स के अंदर बड़ी मूवमेंट आती है। अब आपको कैसे मालूम पड़ेगा, कौन से स्टॉक्स के अंदर इन्होंने पैसा डाला है? बहुत सिंपल है, ऐसे स्टॉक्स जो अपना ऑल टाइम हाई ब्रेकआउट दे रहे हैं, मंथली ब्रेकआउट दे रहे हैं। बिकॉज अगर कोई स्टॉक ऐसा ब्रेकआउट दे रहा है तो इसका मतलब ये है कि उसमें बड़े प्लेयर्स इंटरेस्टेड है। बिकॉज एक स्टॉक को 52 वीक हाई तक, मंथली ब्रेकआउट तक कौन लेके जाता है? ये बड़े लोग। तो एक सिंपल तरीका है, जो स्टॉक भाग रहा है वहां पे इनका इंटरेस्ट फुल है। आई होप ये बात क्लियर है। चौथा सबसे इंपॉर्टेंट है कि उस स्टॉक के अंदर वॉल्यूम ज्यादा होनी चाहिए। जितनी बेहतर वॉल्यूम उतना बेहतर मोमेंटम आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। अब इसका बहुत सिंपल लॉजिक है, समझो दो स्टॉक है, ठीक है, एक स्टॉक ने ब्रेकआउट दिया है और यहाँ पे दूसरा स्टॉक है उसने भी ब्रेकआउट दिया है, दोनों के अंदर प्राइस वाइज बहुत ही अच्छा स्ट्रक्चर बना हुआ है जो आपको लग रहा है यार ये तो फाड़ देगा, लेकिन एक स्टॉक के अंदर वॉल्यूम इतना ज्यादा है और दूसरे स्टॉक के अंदर वॉल्यूम इतना कम है, तो आप कौन सा स्टॉक प्रेफर करोगे? वो स्टॉक जिसके अंदर वॉल्यूम ज्यादा है। रिमेंबर वन थिंग, पहले हम क्या देखेंगे? प्राइस, उसके बाद हम क्या देखेंगे? वॉल्यूम, ठीक है। और जिस पर्टिकुलर स्टॉक के अंदर ब्रेकआउट और वॉल्यूम दोनों अच्छे है, इससे आप हाई प्रोबेबल ब्रेकआउट ले सकते हो। मैं आपको एक बहुत सिंपल एग्जाम्पल देता हूं, टाटा मोटर्स का। चलिए हम जाके सबसे पहले उस चार्ट को देखते हैं, आपकी आंखें खुल जाएगी। तो मैंने टाटा मोटर के चार्ट को डेली टाइम फ्रेम में ओपन कर दिया। यहाँ पे इंडिकेटर में जाके आप प्लीज वॉल्यूम को ऐड कर दीजिए, ठीक है। और जब आप वॉल्यूम को ऐड करते हो तो आप देखिए, जब ये ब्रेकआउट हुआ था ना ऑल टाइम हाई का, ठीक है, और जब ये यहाँ पे नीचे की तरफ ब्रेकआउट हुआ था, आप वॉल्यूम्स देखिए, बहुत ही बेहतरीन वॉल्यूम आपको दिख रहा है। ये बड़ी बड़े वॉल्यूम बार्स आप देखिए, इतना बड़ा वॉल्यूम बार आपको कब देखने मिला होगा? इस वॉल्यूम बार ने ऑलमोस्ट इतने सब वॉल्यूम बार के ऊपर क्लोजिंग दी। इसका मतलब स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट, स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम्स एंड ऑब्वियसली बंपर ट्रेड। बंपर ट्रेड आप देखिए, मोमेंट देखिए, एक तरफा लगातार मोमेंटम आपको इस स्टॉक के अंदर मिला है। ये एक एग्जांपल है। आप जाके सबसे पहले माइंडट्री का चार्ट देखिए, आपको समझ में आ जाएगा कि वॉल्यूम का रोल कितना इंपॉर्टेंट है। आप जब नीचे की तरफ देखोगे, इतनी बड़ी बड़ी वॉल्यूम ब्रेकआउट होंगे, दिख रहा है आपको? ये देखिए ब्रेकआउट, वॉल्यूम ब्रेकआउट, नीचे की तरफ वॉल्यूम पे ध्यान दीजिए आप, ठीक है। ब्रेकआउट हो गया, नीचे की तरफ वॉल्यूम देखिए, ब्रेकआउट हो गया, नीचे की तरफ वॉल्यूम देते। इसको हम क्या कहते हैं? ब्रेकआउट ऑफ प्राइस स्ट्रक्चर विथ हाई वॉल्यूम बार। जितना बड़ा ब्रेकआउट, जितना बड़ा वॉल्यूम बार, उतना ही बड़ा मूव आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। इसीलिए अगर आपके पास दो स्टॉक्स है तो आप कौन सा स्टॉक सिलेक्ट करोगे? जिसके अंदर वॉल्यूम भी बढ़िया हो। आई होप ये बात एकदम क्लियर है, ठीक है। अब ये हो गए सब क्राइटेरियाज जिसके बेसिस के ऊपर हम एक स्टॉक को सिलेक्ट करते हैं। लेकिन भैया, ये स्टॉक सिलेक्ट करें कैसे, कहां मिलेंगे ये स्टॉक? तो उसके लिए हम एक बेसिक आइडिया बनाते हैं। देखिए, आप जब भी स्टॉक सिलेक्ट करने वाले हो ना, तो आप क्या करोगे? आप सीधा जंप करोगे स्टॉक को ढूंढने में। लेकिन रिमेंबर वन थिंग, सबसे पहले एक आइडिया बनता है, आइडिया बनेगा, उसके बाद आप उसके अकॉर्डिंगली एक स्क्रीनर बनाओगे या फिर मैनुअली स्कैन करोगे, ऐसे स्टॉक्स को ढूंढोगे। बात समझ में आ रही है? तो बहुत ही सिंपल चीज है। अब हम क्या करेंगे, फॉर एग्जाम्पल पूरे महीने में कितने ट्रेडिंग डेज होते हैं? 20 दिन, ठीक है, अराउंड 20 दिन ट्रेडिंग होते हैं, बिकॉज सैटरडे संडे छुट्टी होती है। 4 से 5 वीक का एक महीना होता है, हर वीक में 5 दिन होते हैं। अगर 5 × 4 या 5 × 5 भी करो तो एवरेज आती है 20 दिन की। बात क्लियर है? तो अगर कोई स्टॉक अपने 20 दिन के हाई के ऊपर ट्रेड कर रहा है, इसका मतलब क्या है? उस स्टॉक के अंदर बुलिशनेस है और आप ऑब्वियसली उन स्टॉक को ट्रेड करना चाहते हो
जिसके अंदर बुलिशनेस है, ना कि वैसे स्टॉक जो अपने 20 डे के हाई या लो के बीच में ट्रेड कर रहे हैं। आई होप ये बात क्लियर है। तो हम कैसे स्टॉक्स को ढूंढ रहे हैं, जिन्होंने अपना मंथली ब्रेकआउट दिया है, जो अपने 20 दिन के हाई के ऊपर ट्रेड कर रहे हैं। दूसरा, ऑब्वियसली हमें इनमें वॉल्यूम चाहिए अच्छा, राइट। तीसरा, इनका प्राइस अबव 100 होना चाहिए। अब इस बेसिस के ऊपर मैं आपको एक स्क्रीनर दिखा रहा हूं और मैं आपको ये भी दिखाऊंगा कि मैंने रिसेंट कैसे ट्रेड्स लिए हैं इस स्क्रीनर की हेल्प से। आपको कुछ नहीं करना है, सिंपली गूगल पे जाइए और टाइप करिए 20 डे हाई ब्रेकआउट, ठीक है। जैसे ही आप इस पे क्लिक करोगे, ठीक है, आपको सबसे पहला स्कैनर जो दिखता है उसके ऊपर क्लिक करना है। चार्टिंग का स्कैनर ही है, ठीक है। अब इसमें स्टॉक सिलेक्शन क्राइटेरिया पे ध्यान रखिए, स्टॉक पासेस ऑल ऑफ द अबव फिल्टर्स इन कैश सेगमेंट। मेरी एक बात समझिए, निफ्टी में कैश सेगमेंट के अंदर 1700 स्टॉक है, अपन को उतने सारे स्टॉक्स को ट्रेड नहीं करना है। अगर आप FNO में ट्रेड करते हो तो ऑब्वियसली यहाँ पे सब ऑप्शन छोड़ दीजिए, सिर्फ आपको ऐसे स्टॉक चाहिए जो फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में ट्रेड होते हो। करीबन 170 स्टॉक्स ही है जो फ्यूचर्स एंड ऑप्शन सेगमेंट के अंदर ट्रेड होते हैं, तो आपके लिए बहुत ही ज्यादा सिंपल हो जाएगा, ठीक है। आपको इतने सारे स्टॉक जो है ना, कम से कम अगर आप देखोगे NSE के अंदर करीबन 1700 स्टॉक्स है, BSE के अंदर 6000 स्टॉक है, वो सब स्टॉक्स फिल्टर आउट होके कितने हो गए आपके पास, अराउंड 170 से 180। उनमें भी आप उन्हीं स्टॉक्स को ट्रैक कर रहे हो जो अपना 20 डे हाई का ब्रेकआउट दे दिए, बेसिकली मंथली हाई का ब्रेकआउट दे दिए, ठीक है। अब आपको ये स्कैनर को रन करना है। जैसे ही आप रन करोगे आपको इतने सारे स्टॉक्स दिख गए, कितने, 13 स्टॉक। अब आपको क्या करना है, मैंने आपको एक चीज कही थी, रिपीट करिए मेरे साथ, मैंने आपको कहा था वॉल्यूम अच्छे होने चाहिए। इन सब स्टॉक ने ब्रेकआउट दिया, लेकिन आपको कौन से स्टॉक चाहिए, ऐसे स्टॉक जिनमें वॉल्यूम भी बढ़िया हो। तो यहाँ पे आपको वॉल्यूम का सेगमेंट दिख रहा है, यहाँ पे क्लिक कर दीजिए। हाईएस्ट वॉल्यूम स्टॉक कौन सा है, NMDC, IOC, ICICI बैंक लिमिटेड, HPCL, विप्रो। अब क्या करना है, एक बार आपको ये 4-5 स्टॉक मिल गए जिसमें वॉल्यूम भी बढ़िया है, ब्रेकआउट भी बढ़िया है, ठीक है। अब क्या करना है, आपको ऐसा नहीं कि ये स्टॉक मिला तो खरीद लिया, ऐसे नहीं। सबसे पहले आप जाइए उस स्टॉक का चार्ट ओपन करिए। सबसे पहले हम क्या करेंगे, NMDC, IOC, ICICI बैंक, HPCL, विप्रो के चार्ट ओपन करेंगे, देखेंगे, फिर मैं आपको बताऊंगा कौन से स्टॉक है जो मैंने सिलेक्ट किए हैं इन द लास्ट वीक और उनका परफॉर्मेंस कैसा रहा है आपके साथ अभी के अभी, ठीक है। अब हम देखते हैं सबसे पहले NMDC को, बहुत क्लियर है। सो गाइस, ये है NMDC का चार्ट ऑन अ डेली टाइम फ्रेम। अगर आप देखोगे कितना बड़ा वॉल्यूम है, बहुत बढ़िया वॉल्यूम। अगर आप इस पर्टिकुलर स्टॉक के चार्ट को देखोगे तो आपको क्या समझ में आएगा, इसने वॉल्यूम का ब्रेकआउट तो बढ़िया दिया लेकिन अभी भी एक रेंज में है, अभी भी एक रेंज में है। तो आप ये चाहोगे कि ये इस पर्टिकुलर कैंडल का हाई ब्रेक करे, उसके बाद आप एंट्री लोगे, नियरेस्ट स्विंग को आप अपना SL बना सकते हो, राइट। अब आप देखोगे बहुत बेहतरीन स्ट्रक्चर है स्टॉक का, फटाफट इस टूल से आप रेजिस्टेंस मार्क कर लीजिए। अब जैसे ही NMDC इस पर्टिकुलर रेजिस्टेंस के ऊपर ट्रेड करना शुरू करेगा, हम इसमें लॉन्ग पोजीशन बना सकते हैं। अगर आप देखोगे टाइम फ्रेम मैंने कौन सा सिलेक्ट किया, यहाँ पे डेली टाइम फ्रेम, तो आप कौन से ट्रेडर बन गए, स्विंग ट्रेडर। अगर मैं एक पोजिशनल ट्रेडर हूं तो मैं कैसे देखूंगा, मैं जाऊंगा सीधा वीकली टाइम फ्रेम में और देखूंगा वीकली टाइम फ्रेम के अंदर स्ट्रक्चर कैसा है। वीकली टाइम फ्रेम के अंदर अभी भी स्ट्रक्चर में इतना मजा नहीं है, ठीक है। हमको क्या चाहिए, ये इस तरह कंसोलिडेट करे, थोड़ा और नीचे आए, फिर ब्रेकआउट दे। तो अगर आप एक स्विंग ट्रेडर हो तो आपको स्ट्रक्चर अच्छा दिख रहा है, अगर आप एक पोजिशनल ट्रेडर हो तो हम थोड़ा और वेट करके और कंफर्म ट्रेड ले सकते हैं। दूसरा कौन सा स्टॉक था, फटाफट देखते हैं, IOC, ठीक है। IOC को अब हम देख रहे हैं वीकली टाइम फ्रेम में, ठीक है। वीकली टाइम फ्रेम में अभी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है, इतना कोई एक ही जगह ये कंसोलिडेट कर रहा है, तो हम इस स्टॉक को अवॉइड करेंगे, दूसरे स्टॉक पे जाते हैं। इसका मतलब दूसरी चीज आपने क्या सीखी, स्टॉक स्कैनर में तो आ जाए लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको क्या चाहिए, एक अच्छा स्ट्रक्चर चाहिए। स्ट्रक्चर अच्छा होगा तो प्राइस का मोमेंटम अच्छा आएगा, सिर्फ वॉल्यूम के भरोसे आप ट्रेड नहीं ले सकते हो, ठीक है। आई होप ये बात क्लियर है। दूसरा है हिंदुस्तान पेट्रोलियम, देखिए कितना बढ़िया स्ट्रक्चर है। अब आपको मालूम पड़ा, ये देखो हिंदुस्तान पेट्रोलियम वीकली टाइम फ्रेम में आप देखिए, ये नीचे आया, यहां से रेजिस्टेंस लिया, वापस नीचे आया, वापस ऊपर गया और अब ब्रेकआउट दे रहा है, हेड एंड शोल्डर वाला पैटर्न, समझ में आ रहा है। तो अब क्या होगा, वीकली टाइम फ्रेम में इसने बहुत स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग दी है तो आप यहां पे एंटर कर सकते हो और आपको एक छोटा सा स्टॉप लॉस यहां पे मिल जाएगा हिंदुस्तान पेट्रोलियम में। अपन ने कैसे आइडेंटिफाई किया, सबसे पहले अपन ने स्कैनर को ओपन किया, टॉप 5 स्टॉक्स देखे विद द हाईएस्ट वॉल्यूम एंड अ गुड ब्रेकआउट, और अब जब स्ट्रक्चर भी अच्छा है, वॉल्यूम्स भी बढ़िया है, तो हम इस स्टॉक के अंदर अब अपनी एंट्री को प्लान
कर सकते हैं। आई होप ये बात एकदम ही क्लियर है। इसके बाद कौन सा स्टॉक है अगर हम देखना है तो विप्रो है। विप्रो को भी देख लेते हैं। अगर आप विप्रो को वीकली टाइम फ्रेम में देखते हो क्या समझ में आता है, ये एक रेंज ऑफ कंसोलिडेशन था जहां से मार्केट में एक बड़ा मोमेंटम आया। मार्केट फिर से यहीं पे आ रहा है और यहाँ पे ये अपने स्ट्रक्चर का ब्रेकआउट दे रहा है। आपको यहाँ पे भी एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग बुलिश मोमेंटम मिल सकती है। प्लस आप वॉल्यूम बार भी देखिए, वॉल्यूम बार भी बहुत अच्छा है। इतने सारे वीक्स के वॉल्यूम के ऊपर ये ट्रेड कर रहा है। डेली टाइम फ्रेम में जाके हम वापस विप्रो को देख लेते हैं। अगर हम डेली टाइम फ्रेम में देखेंगे, डेली टाइम फ्रेम के अंदर भी बहुत अच्छा स्ट्रक्चर का ब्रेकआउट है। हम एक बार थोड़ा सा इसको जूम इन करके देखते हैं। अगर आप देखोगे इतने बड़े रेंज का इसने ब्रेकआउट जो है वो दे दिया है, राइट। और अब यहाँ पे और अपसाइड की मोमेंटम आ सकती है। तो बेसिकली ये स्टॉक स्कैनर के अंदर इस टाइम पे ही आ गया होगा और उसके बाद इसने ऑलरेडी एक अच्छी खासी अपसाइड की मोमेंटम दे दी है। आई होप ये बात आपको क्लियर है कि कैसे एक स्कैनर की हेल्प से आप इजीली ब्रेकआउट स्टॉक्स को आइडेंटिफाई कर सकते हो फॉर स्विंग ट्रेडिंग एज वेल एज पोजिशन ट्रेडिंग। अब हम बात करते हैं ऐसे स्टॉक्स जो हमने आइडेंटिफाई किए इस स्कैनर की हेल्प से और हमने लाइव अपडेट की है, लाइव पोजिशन लेके हमारे लर्नर्स को। तो गाइस सबसे पहला स्टॉक जो हमने रिकमेंड किया था इस स्कैनर को यूज करके, उसका नाम है इंडिगो। अगर आप देखोगे यहाँ पे हमने इंडिगो अपडेट किया था अराउंड 1800 के भाव में, 1780, ठीक है। और ये ट्रेड अभी भी लाइव है। अगर आप देखोगे हमने इसको कब रिकमेंड किया है, 15 जुलाई को। स्ट्रक्चर आपके सामने है, स्टॉप लॉस हमने मेंशन किया हुआ है। अब हम जाके इस पर्टिकुलर चार्ट को देखते हैं कि ये कैसा काम कर रहा है। इंडिगो को हम देखेंगे वीकली टाइम फ्रेम में वापस। कौन से टाइम फ्रेम के ऊपर? वीकली टाइम फ्रेम। तो यहाँ पे जाके आपको वीकली टाइम फ्रेम पे क्लिक करना है और आप देखिए कितना बेहतरीन ब्रेकआउट है। 1800 के भाव से अब ये ट्रेड कर रहा है 2100 पे, 300 रुपए, ऑलमोस्ट 20% का मूव इसने दे दिया है 3 वीक के अंदर। इसलिए मैंने आपको कहा था रिटर्न एक्सपेक्टेशन आप हाई रख सकते हो स्विंग और पोजिशनल ट्रेडिंग के अंदर। अब हम बात करते हैं दूसरे स्टॉक का जिसका नाम है टाटा मोटर्स, जो हमने रिकमेंड किया था। वापस हम देख लेते हैं, ये ट्रेड अभी भी ओपन है। इसमें भी आपको बहुत कुछ सीखने मिलेगा। अगर आप देखोगे टाटा मोटर्स का ये चार्ट है, ठीक है, हमने रिकमेंड किया है कि हम इसमें अब एंटर कर रहे अराउंड 440 के भाव के ऊपर। अगेन अगर आप देखोगे ये स्टॉक वापस वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर रिकमेंड हुआ है, ठीक है। हम जाके एक बार चार्ट को देखते हैं कि ये कैसा परफॉर्म किया। आप बिलीव नहीं करोगे, नेक्स्ट दिन ही इतना बड़ा ब्रेकआउट आया था टाटा मोटर्स के अंदर। सबसे पहले मैं आपको वीकली टाइम फ्रेम में दिखाता हूँ, बहुत सिंपल है। ये ट्रेड अभी भी हमारे लिए ओपन है। अगर आप देखोगे यहाँ पे इस स्टॉक ने इधर ब्रेकआउट दिया, ठीक है, इधर ब्रेकआउट दिया, ठीक है, और ब्रेकआउट देने के बाद इसने एक इनसाइड कैंडल बनाया। यहाँ पे हम इसको एंटर किए और इसने 440 से एक हाई लगाया है 480 का। ये स्टॉक हमारे लिए अभी भी ओपन है। अब मैं बात कर रहा हूं दो पोजिशनल ट्रेड जो हमने लिए थे अदानी विलमार के अंदर और वाडीलाल इंडस्ट्रीज के अंदर, जहां पे रिटर्न्स हैव बीन मोर देन डबल। अब मैं क्या चाहता हूं आप कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा और क्या आप ये जानना चाहते हो कि जो कैश स्टॉक्स है ना, जिसके अंदर जिसका मार्केट कैपिटलाइजेशन थोड़ा कम होता है, उसमें भी कैसे हम ट्रेड कर सकते हैं। तो जरूर करके इस वीडियो को लाइक करिए, 1000 लाइक्स का टारगेट है और कम से कम बहुत सारे कमेंट्स आने चाहिए, ठीक है। आई होप ये बात क्लियर है। देखते हैं हम इन स्टॉक्स को जिसका नाम है वाडीलाल इंडस्ट्रीज। तो गाइस यहाँ पे है वाडीलाल इंडस्ट्री का चार्ट ऑन अ वीकली टाइम फ्रेम। ये स्टॉक हमने रिकमेंड किया था हमारे लर्नर्स को, जैसा कि आप लेफ्ट हैंड साइड में देख सकते हो। अराउंड फेब में हमने ये रिकमेंड किया था, आप देखोगे अराउंड 2nd of February को इतना बेहतरीन ब्रेकआउट आप देख रहे हो, कितना बेहतरीन ब्रेकआउट दिया इसने। और इस ब्रेकआउट देने के बाद ये स्टॉक 900 के भाव पे ये ट्रेड कर रहा था जब हमने रिकमेंड किया था, और अब ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है 2400 के भाव में, वो भी इस वीक मार्केट के अंदर 3 गुना ऑलमोस्ट रिटर्न दिया है। इसको हम क्या कहते हैं? सिंपल मोमेंटम ट्रेडिंग। अच्छा खासा ट्रेंड आया, फिर ये कंसोलिडेट कर रहा था इस रेंज के अंदर, ब्रेकआउट दिया, हमारे स्कैनर में आया और उसके बाद इतना बड़ा मोमेंटम। एक और स्टॉक है जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, AWL। आपने ऑब्वियसली देखा लेफ्ट हैंड साइड में किस तरह हमने ये स्टॉक सही टाइम पे रिकमेंड किया था। सेम है AWL, अगर आप देखोगे इसको भी हमने फेब के टाइम ही कहीं रिकमेंड किया होगा। अगर आप देखोगे मार्च में रिकमेंड किया गया है। ये बेसिकली अपने IPO के बाद इसने एक मदर बार बनाया, इनसाइड कैंडल्स बहुत सारी बनाई, जैसे ही ब्रेकआउट दिया यहाँ पे हमने एंटर किया, यू नो ड्यूरिंग होली, इसको हमने होली के टाइम एंटर किया था, और इतना बड़ा मोमेंटम इस पर्टिकुलर स्टॉक ने भी दिया है। और अगर आप भी जानना चाहते हो कि कैसे आप ऐसे हाई मोमेंटम यू नो मल्टी बैगर स्टॉक्स को आइडेंटिफाई करना चाहते हो विदाउट इवन लुकिंग एट द फंडामेंटल्स, देन
मेक श्योर कि आप इस वीडियो को लाइक करिए। आप एक बार लाइक करो लेकिन 100 बार लाइक होना चाहिए इस तरह का। आपको जोर से लाइक बटन प्रेस करना है। कमेंट में बताइए कि आप पोजिशनल ट्रेडिंग को मास्टर करना चाहते हो, ऐसे स्टॉक्स को आइडेंटिफाई करना चाहते हो जो 2 गुना 3 गुना 4 गुना भी हो जाए, और वो भी ऐसे वीक मार्केट के अंदर। तो ये है हमारा वीडियो स्विंग ट्रेडिंग और पोजिशनल ट्रेडिंग के ऊपर। तो हम एक बार क्विकली समराइज कर लेते हैं हमने क्या सीखा। सबसे पहले आपको ये मालूम होना चाहिए आप किस टाइप के ट्रेडर हो। आप एक रेंज को ट्रेड करते हो कि रेंज ब्रेकआउट को ट्रेड करते हो। अगर आप एक रेंज ब्रेकआउट ट्रेडर हो तो आपको ऐसा स्कैनर सिलेक्ट करना है जो आपको ऐसे स्टॉक्स बताए जो ब्रेकआउट दे रहा है। और ब्रेकआउट कैसा होना चाहिए? मंथली ब्रेकआउट, ऑल टाइम हाई ब्रेकआउट, 52 वीक हाई ब्रेकआउट। उसके लिए हम कौन सा स्कैनर यूज कर रहे हैं? 20 डे हाई ब्रेकआउट स्टॉक, जो हमको ऐसे स्टॉक्स बताएगा जो अपने मंथ का ब्रेकआउट दे रहा है। नाउ एज फार एज द स्टॉक सिलेक्शन इज कंसर्न, हमको दो चीज का ध्यान रखना है। जब आप एनएससी के स्टॉक्स को ट्रैक करोगे 1700 स्टॉक है, बीएससी के स्टॉक्स को स्कैन करोगे कम से कम 6000 स्टॉक है। इसको स्टार्टिंग में नहीं ट्राई करना है। आपको क्या करना है? एफएनओ फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस वाले स्टॉक्स में ही इस स्कैनर को रन करना है। इससे क्या होगा? कम स्टॉक्स, एक छोटा पैकेज आपको मिलेगा जिसमें से आपको बेहतर स्टॉक सिलेक्ट करने। तो आप में कभी फोमो नहीं आएगा कि यार मैंने इस स्टॉक को मिस कर दिया। आपको कंफ्यूजन नहीं होगा, आपको 400-500 स्टॉक्स ट्रैक करने की जरूरत नहीं है। कम स्टॉक्स में पहले काम करिए और बड़ा रिटर्न कमाइए। और इस वीडियो को आप लाइक कर दीजिए, फिर मैं आपको बताऊंगा कैसे आप स्मॉल कैप और मिड कैप्स के अंदर भी ये सेम फॉर्मूला लगा सकते हो एक अलग स्कैनर की हेल्प से। इसी के साथ आप सभी को मेरा सादर जय जिनेंद्र। वीडियो को लाइक कर दीजिए ताकि मैं बहुत जल्द लेके आऊं कि कैसे आप खुद अपना नेक्स्ट मल्टी बैगर, 5 बैगर 10 बैगर आइडेंटिफाई कर सकते हो। विद दैट नोट, थैंक यू सो मच। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच गाइस।